उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में कृषि बागवानी पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं। अगर लग्न मेहनत और ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में कार्य किया जाए तो यहां रोजगार की कोई कमी नहीं। अगर यकीन नहीं है तो रुद्रप्रयाग के बटवाड़ी गांव के सुनील सिंह भंडारी को ही देख लीजिए, जो वर्ष 2009 से डेयरी का व्यवसाय कर स्वरोजगार कर रहे हैं। सुनील का पूरा परिवार पिछले 11 वर्षों से हाड़ तोड़ मेहनत कर अपने गांव में ही डेयरी का काम कर रहा है। बाजार दूर होने के कारण सुनील भंडारी एक एक किलोमीटर 38 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध को डेयरी विभाग को देते आ रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें सरकारी मदद के रूप में आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे वो निराश भी हैं। सर, ये 2009 से मैंने ये काम किया और हमेशा लाभ होता रहा, लेकिन सरकार की जो योजना होती है वो उसका कोई वो नहीं मिलता हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार, जैसे हम इस काम को कर रहे हैं तो हमारे प्रति झुकाव बनाए रखे कि तुम्हें कहाँ असुविधाएं हैं, क्या है, क्या करना है, क्या हमारे पास हमेशा ये चिट्ठी लिखाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कभी कुछ देते ही नहीं है। और हम जैसे हमने सोचा कि हमारा दूध बर्बाद हो रहा है तो इन्होंने एक फ्रीजर दिया, लेकिन फ्रीजर देने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि मतलब हमें इनके साथ में कैसा वो करना चाहिए कि दो दो दिन में हमारा दूध यहाँ से जाता है, ठीक है, फटता नहीं है दूध, ये हमको हमारे दूध के रेट भी बहुत कम देते हैं। कभी इनसे एडवांस मांगो तो ये एडवांस देने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारी लिमिट बनाने के लिए तैयार नहीं है, बस दाना देते हैं और दाना के सिवाय इनके पास और कुछ है नहीं। सुनील भंडारी बीते 11 वर्षों से पशुपालन के साथ कृषि के कार्य में भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग के अनेकों चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें न तो कृषि यंत्र मिल पाए और न ही डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट का कहना है कि सरकारी योजनाएं सभी लोगों के लिए पहुंच रही हैं और वे उनका लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में एक बहुत महत्वाकांक्षी एक सीधे अलग से जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और इस जनपद का अलग से भी 200 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने तक का बढ़ा दिया है सरकार के द्वारा, MSY योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके तहत मैं खास तौर पर जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो पोल्ट्री के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में तथा इस तरह के अन्य जो भी उद्योग या उत्पाद वो करना चाहते हैं, उस तरह की मैं सरकार की तरफ से विशेष सहायता, विशेष सब्सिडी के साथ में सहायता है, इसमें वो अपना आवेदन कर सकते हैं और जिस स्केल तक भी अपना कार्य बढ़ाना चाहें और जिस तरह तक की भी सरकार, क्योंकि जितना वो कार्य करेंगे उसमें एक प्रोजेक्ट बनता है जिसमें 10 लाख तक की राशि का भी बैंक से समर्थन मिलता है। भले ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अनेकों योजनाएं चला रखी हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि योजनाएं कागजों से निकलकर सुनील जैसे मेहनतकश काश्तकारों तक क्यों नहीं पहुंच पाती। सरकारी तंत्र के इसी उदासीन रवैये के कारण लॉकडाउन में पहाड़ आए अनेकों बेरोजगार युवा यहां स्वरोजगार करने का मन बनाने के बावजूद अब वापस लौट चुके हैं। इससे समझा जा सकता है कि सरकारी नारों और हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।